व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की स्पेसिफिक वीडियो के अंदर। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, ये अपना माइनक्राफ्ट वर्ल्ड चैलेंज, इसमें हमारे जो फ्लावर्स हैं हमको इतनी खतरनाक खतरनाक ओपी लूट देने वाले ना भाई, देख एकदम मजा ही आ जाएगा। तो भाई पहले वीडियो को शुरू करते। तो भाई सबसे पहले कौन को तुम्हें फालतू में मार रहा, लेकिन कोई नहीं देख रहा, सबको सही है। अपने पास चिकन आ चुका है, लेकिन मैं कोई फूड पकाने नहीं वाला, देखना क्या खतरनाक मिलता है। फिलहाल ये फ्लावर नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन इसको जैसे तोड़ूंगा, ओ भाई यार गोल्डन एप्पल। भाई बुक सेल्फ की जरूरत नहीं है, और बुक में स्मैट 3, इसको छोड़ो, फेंको इसको, इसी फालतू को चीज़ है। फिलहाल देखते हैं और इतने सारे फ्लावर से, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती है इसमें। तो भाई जैसे ओ भाई ने द राइट बूट मिल गया अभी से, रुको देखिए इसमें क्या एंचेंटमेंट देखे जरा। तो भाई फुल एंचेंटेड हो बिल भाई, भाई खतरनाक है, लिटरली बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल एक काम करते हैं, साड़ी के साथ तोड़ के देखता हूँ। ओ भाई नेदरराइट ब्लॉक और चेस्ट भी प्लेट मिल गई, प्रोटेक्शन 4 है, लेकिन कोई नहीं, देखते आगे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। फिलहाल ये मास्टर पोशन, भाई इसको टर्टल मास्टर नहीं चाहिए यार, फालतू चीज है। ओ भाई बूट, भाई ऐसा तो लग रहा अभी वीडियो स्टार्ट होती है मेरा फुल नेदरराइट आर्मर तैयार होने वाला है। भाई सावल मिला, छोड़ो कोई नहीं, अभी फिलहाल ठीक है, कोई दिक्कत, अभी हेलमेट और मिल जाए भाई अपना पूरा आर्मर तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो भाई, लो अब भी भाई हेलमेट का नाम लिया भाई, अनब्रेकिंग के 3 ले, कोई दिक्कत नहीं, अनब्रेकिंग है। देखते हैं आगे अगर कुछ मिलता है, क्योंकि अभी भाई स्टार्टिंग इतनी खतरनाक हुई, तो आगे कुछ खतरनाक हो सकता है। और भाई अपना नेदरराइट का आर्मर तैयार हो गया था भाई, भाई यार गोल्डन एप्पल की बौछार, भाई भाई डायमंड ब्लॉक मिला है। कोई नहीं भाई, आगे चल के थोड़े बहुत फ्लावर जो बड़े हैं इनको तोड़ के देखते इसमें क्या मिलता है। भाई ये क्या है भाई, ये क्या है भाई, भाई इलेक्ट्रा मिली है, उसके बाद एक्स मिला है भाई खतरनाक क्रॉसबो के साथ। भाई ये देखो नेदरराइट इंगट मिला है भाई, इतने सारे ओपी लूट भाई कसम से, मेरे को भाई ये लग रहा ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली, लिटरली बता रहे। अगर भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को अभी लाइक करो, और चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब मारो। मेरे को नहीं पता भाई कितनी ओपी लूट मिल रही है। फिलहाल चेस्ट को देखते थे, चेस्ट में क्या है, अच्छे चैन में मिलती है तो भाई मैं पहन लूंगा वो। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ओ भाई प्रोटेक्शन 3 है स्ट्रॉन्ग से, इसके काम को सबसे पहले इसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो ये अपना चेंज हो गया, इसको फेंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो भाई अपना ये लूट मस्त तरीके से हो चुका है, आगे चल के देखते हैं। और भाई अपने पास लगभग सारे सामान है, और जो कि भाई मेन है। अब भाई इंजेंटमेंट, भाई बॉटल्स पड़ी है भाई, इसकी तो भाई फुल यूज तो बनता है भाई, कसम से बता रहे हैं माइनक्राफ्ट का सबसे सेटिस्फैक्शन चीज दिखाने वाला है। अभी देखना है इसको पूरी तरह से इंजेंटमेंट पोर्टल फैला दो, उसके बाद अब इसको कलेक्ट करोगे भाई, क्या मतलब सेटिस्फैक्शन मिलता है, मजाक नहीं है। जो इसका साउंड देखते भाई, एक भाई क्या कितना प्यारा साउंड करता है, लिटरली भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जैसे कि आप देखो 6 एंचेंटमेंट एप्पल है, 28 गोल्डन एप्पल, लिटरली गेम स्टार्ट हुए अभी मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे भाई, आपको 2 मिनट दिख रहे हैं लेकिन मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे। तो भाई इतने ओपी सामान में क्या ही बताऊं। फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो भाई मेरे पास सब कुछ है, तो एक काम करते हैं ना भाई, लगे हाथ एक एंचेंटमेंट टेबल बना देता हूँ फुल वाला। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे को 3 लगाना था, 3 इधर वाली लगा लेते हैं मसरी का, 3 इधर भी लगाना, एक स्टाइल का उसको तोड़ लेंगे। तो इसको इधर भाई, इसको प्लेस करते इधर इधर, और एक इधर लगाते हैं, और 3 को 3 इधर। देखो भाई हमको पता है ये फालतू की चीज़ है, इसकी हमको कोई नीड नहीं करने की, लेकिन भाई अब अपने पास है तो भाई फेंकने से अच्छा थोड़ा यूज़ कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो ये चीज़ हो चुका है, अभी एक चीज़ और बचता है भाई एनविल, और भाई अपने पास 7 एनविल है, 1 एनविल ही फेंक देते हैं, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो पास सब कुछ हो चुका है, और भाई काफ़ी लूट करते करते मेरे पास अच्छा खासा वो भी आ चुका है। और फिलहाल बस मेरे को थोड़ा बहुत चीज़ें और देखनी है, जैसा कि स्वॉर्ड हो गई, उसके बाद देखते और क्या खतरनाक मिलता है। फिलहाल तो भाई यही नॉर्मल चीज़ें मिल रही जो कि अभी रैंडम रिपीट हो रहा, एक हो मिला है, और भाई टोटम, भाई मेरे को सारे के सारे टोटम चाहिए, मेरे को नहीं पता भाई मजाक नहीं करें, मतलब भाई अंदर से इतना ज्यादा ना, मतलब इतना खतरनाक भाई, इतना इजी गेम हो गया ना, इतना इजी कि अभी मैं जाके पूरे ड्रैगन को पीट करा सकता हूँ, ड्रैगन कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं भाई, मस्त तरीके से थोड़ा बहुत जो यहाँ पे लूट करते हैं। और भाई स्वॉर्ड मिल चुकी है मेरे को, और भाई ये जॉम्बी या नौटंकी कर, रुको इसको भाई एक्स बजानी पड़ेगी, एक और भाई, भाई फालतू में एक एक एक्स के हैं सबके सब, लेकिन फालता नहीं, क्या दिक्कत है। तो भाई मेरे को स्वॉर्ड लेने दो, कि स्वॉर्ड में क्या है फिलहाल देखते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं। तो भाई इसमें अच्छा खासा स्वॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लूटिंग पड़ी है इसमें, तो भाई मेरे को विलेज वाला दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो एंडरमैन है, फालतू हमसे पंगा लेने आ रहा है, इसको नहीं पता भाई अपने पास एक गॉड आर्मर है भाई, ये 2 इंटरपल भी मिल गए। तो भाई चलो भाई ज़्यादा मेरे को ढूंढना नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हो मेरे पास एक ग्रेवल चाहिए था, जिससे कि मैं फ्लिंट बना सकूं, क्योंकि भाई अब नेदर पोर्टल तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ब्लेज रॉड को कुछ होने नहीं वाला। और भाई ब्लेज रॉड नहीं मिला यार, मतलब बहुत कोशिश किया लेकिन ब्लेज रॉड नहीं मिला, कोई नहीं, एक फ्लिंट बनाते हैं, उसके बाद चलते हैं नेदर के अंदर। भाई
पेल कर आते हैं ड्रैगन को। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से मैं आगे आ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ मेरे को नेदर पोर्टल बनानी है, तो भाई अपने पास इतने ज़्यादा ना है, मैं फुल वेस्ट कर रहा, लिटरली ऐसे अंधों की तरह यूज ही करे जा रहा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बना डाला जितना बनाना है भाई, 64 पड़ा है लिटरली, मैं देख रहा हूँ 64 स्टैक, उसके बाद हॉप स्टैक और अपने पास, तो भाई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब छोड़ो यार। फिलहाल अपने पास टोटम है, तो भाई अब टोटम वेस्ट करना तो बनता है यार, कुछ भी हो जाए एक टोटम तो वेस्ट करना ही करना। तो एक भाई यहाँ से मेरे को बूट हटाने, और भाई यहीं से मेरे को डायरेक्ट जंप मारना, देखते हैं भाई मरते हैं या नहीं मरता। भाई टोटम हाथ से पड़ा है, मरूंगा तो नहीं, देखते क्या होता है। एक हाड़े बच गया, लिटरली भाई एक हाड़े बच गया। रुको यार मेरे को मरना है, मेरे को नहीं पता यार, अभी एक कम से कम एक टोटम तो मैं वेस्ट करूंगा। भाई यार इतना खतरनाक आवाज करता भाई टोटम, हाँ। भाई मेरे को कसम से नहीं पता था। कोई दिक्कत नहीं, अब सीधा भाई आधी आती है नेदर पोर्टल की, अब भाई नेदर में चलते हैं, अब भाई धूम मचा के आते हैं नेदर के अंदर। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो भाई नेदर के अंदर आ चुका हूँ, और भाई स्पॉन देखते सबसे पहले, ओ भाई एक फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर स्पॉन कर दिया। भाई थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, जो मेरे को ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा दिक्कत दे नहीं प्लीज नहीं अभी नहीं भाई अभी नहीं अभी 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 नहीं प्लीज 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 भागना पड़ेगा यार, ये दिक्कत है भाई 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 भाई, 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 भाई लिटरली क्लच, लिटरली भाई क्लच। अगर अपने पास ये भी भाई रिफारेस्टेंस ना होता, कोई नहीं कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। अब मतलब नौ चप्पल था अपने पास, लेकिन भाई फायर रेजिस्टेंस का पर्सन भाई लिटरली, अब तो भाई तुम्हारा भाई लावा के अंदर फुल तैरेगा। तो भाई मैं यहाँ पे एक लैंड पे आ चुका हूँ, अब भाई मेरे को बस ये एक शील्ड बनानी है यहाँ पे, तो उसके लिए क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं। उसके बाद देखो भाई दिक्कत क्या है ना कि भाई नेदर के अंदर लिटरली ए बिना शील्ड के घूमना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, भले आपके पास कितना अच्छा आर्मर है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप नेदर फोर्ट्रेस में घुसे ना विलेज से भाई बच भी जाओगे फायर रेजिस्टेंस से, लेकिन जो विदर स्केलेटन है ये इतना गंदा मारेंगे ना भाई कसम से बता रहे हैं। फिलहाल एक काम करते हैं भाई, यहाँ पे थोड़े बहुत जो पिगलिंग्स हैं इनसे मैं ट्रेड करने को यूज़ करता हूँ, मेरे पास गोल्ड के ब्लॉक पड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक काम करते हैं, इनको अंदर घुस के भाई इनको आप देखो ये सारे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो मैं सीधा का सीधा इधर आऊँगा। उसके बाद अब भी यहीं पर मस्त तरीके से देखो कितना खतरनाक ट्रोल करने वाला हूँ इनको, भाई कसम से समझ भी नहीं पाएंगे। तो एक काम करते भाई यहाँ पर मेरे को शील्ड लगा खड़ा होना है, ये सब सारा डैमेज शील्ड को देंगे, एक दो शॉट पड़ भी फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे गोल्ड दिया, रुक जाओ यार तुम भी ले ये इसके अलग नगरे, रुक जाओ उसको बताना पड़ेगा, रुक जाओ एक शॉट खत्म भाई। अच्छा खासा उसको गोल्ड दे रहा है कि तू ट्रेड कर ले, लेकिन नहीं उनको तो मारने की पड़ी है भाई, उनको समझ नहीं आ रहा कि इस टाइम में गॉड बना पड़ो। लेकिन भाई ये मैग्मा के ऊपर खड़ा है, कोई नहीं भाई बच गया, फालतू में भी मर जाता। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ब्लॉक प्लेस कर दूँ जिससे बाहर ना पाए, ऐसे मेरे को सेम बगल वाले को भी करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो इधर मेरे को यहाँ भी मैग्मा है, रुक जाओ इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तो रुक जाओ एक किनारे से ये चीज़। अब भाई बढ़िया हो गया भाई कसम से, भी मरता फालतू में। तो एक काम करते मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लॉक लगाता हूँ जिससे ये भी बाहर ना पाए। अब ये दोनों फंस चुके हैं, बस मेरे को जितने भी गोल्ड है ना भाई सारे के सारे इसके अंदर फेंक देने। रुक जाओ मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं उठाना पड़ेगा, तो इसको फेंको यहाँ पे सारा गोल्ड अंदर। अब ये अच्छा अपना मस्त तरीके ट्रेडिंग करेगा और मस्त तरीके से अपने लूट देगा भाई। इनकी लूट कंप्लीट हो चुकी है भाई, इसको निपटाते हैं। और भाई ये देखो इसे किस्मत बोलते हैं, लिटरली एक इंटरपल्स नहीं दिया यार, मेरे को वही चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, बगल में ही वार्ड फॉरेस्ट है, वहाँ चल के इंटरमैन को तगड़े से मारते हैं। और भाई यहाँ जितना भी हो सकता है मैं इंटरपल निकालने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो भाई ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये चीज़, ये लिटरली भाई इतना खतरनाक है ना, अगर कहीं गलती से भी एक भाई चिंगारी पड़ी ना तो भाई ब्लास्ट कर देगा पूरा। कोई नहीं भाई, अब आपके पास एक खतरनाक सा शो है, इंजॉय कर लो भाई मस्त तरीके, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मस्त इंजॉय करो। Thank you.
और इसी के साथ अपना रंगारंग कार्यक्रम खत्म हो चुका है। तो भाई अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और इसे थोड़ा सा ये भी घुमा घुमा के हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं सबसे पहले एक फोटो ढूंढते हैं, उसके बाद भाई आपसे मिलता हूँ बस 2 मिनट के अंदर। तो भाई छोड़ो कोई नहीं, कॉपी था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल भाई अपने पास फोर्ट्रेस मिल चुकी है, उसके बाद भाई यहाँ पे बिदर मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन ये नीचे जा चुका है। तो भाई ये पीछे से आ गया था यार, अभी भाई मैं सोच रहा हूँ भाई इसको तो मैं मार रहा था, पीछे मेरे को डैमेज कैसे पड़ रहा, देख रहा भाई पीछे मेरे एक बिदर खड़ा है। और भाई ये विलेज तो अलग ही नौटंकी की है भाई, रुक जो फालतू में आग लगा दिया, मेरे को हटना पड़ेगा यहाँ से, रुक जाओ इसको बिना मारे मैं कुछ नहीं कर, चैन भाई नहीं मिलेगा मुझे जब तक इसको नहीं मारूंगा, बस एक वो पड़ जाए खत्म भाई। जैसा कि आप देख रहे हो ये वाला उड़ चुका है भाई, मेरे को सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, तो मैं ना एक काम करता हूँ फायर एस्टेंस का पोशन पी लेता हूँ, ये चीज़ ठीक रहेगा, ब्लेज से भी मैं बचूंगा फालतू में और थोड़ा बहुत डैमेज भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल एक काम करते भाई मस्त तरीके चलते, और भाई ये शो और एंजॉय कर लो एक। तो भाई फोर्ट्रेस में ऐसा भी लगभग विलेजों को मारने के बाद मेरे पास 20 ब्लेज रहा, और भाई देख रहे हो इधर स्केलेटन हेड भी आ चुका है। तो भाई मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बनाता हूँ जिससे मैं सीधा यहीं से निकल जाऊँ, और हो सकता है यहाँ से 2-3 ब्लेजर को 2-3 भाई जो विलेज हैं उनको बाहर भी लेके जाऊँ। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे अपना पोर्टल बनने ही वाला है, फिलहाल जैसे एक यहाँ पे तोड़ना है मुझे, उसके बाद इसको एक ब्लॉक इधर लगाना है, इसे सेम मेरे को ऊपर से फिल करते हुए एक इधर लग तोड़ के इधर एक प्लेस कर देना है, ये खतरनाक ये बन गया। अब भाई बस मेरे को यहाँ पे आग लगानी और कुछ नहीं, तो फ्लिंट निकालता हूँ भाई, लेकिन आप ब्लेजर देखो कितने ज्यादा हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ब्लेज लगाना, और भाई एक अंदर जाएगा, अभी देखो मैं जैसे अंदर घुसूंगा ना 100% यहाँ पे आने वाले बाहर। तो जैसा कि भाई आप देख रहे हैं देखो ये भाई पूरा का पूरा यहाँ पे भाई आतंक मचा रखा है, तो कोई दिक्कत जैसा कि आप देख रहे हो भाई फुल तरीके से हो चुका है, और भाई मेरा लगभग आर्मर पूरी फुल्ली डैमेज हो चुका है क्योंकि कसम से बहुत ज़्यादा खतरनाक फाइट थी। और भाई जैसा कि आप देखो 36 है मेरे पास लो टोटल भाई ब्लेज रॉड, तो आप समझ जाओ कितनी खतरनाक फाइट हुई है। और भाई जैसा कि आप देख रहे हो आगे चलता हूँ यहाँ पे, और फ्लावर को तोड़ के सबसे पहले अपना आर्मर रिपेयर करता हूँ, मतलब थोड़ा सा ये आर्मर फेंक के दूसरा मैं पहन लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो जैसे कि आप देख रहे हो अपना पूरा का पूरा आर्मर फुल्ली रिपेयर हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद अब आती है बारी अपना भाई बनाने का आई ऑफ एंडर, और यहाँ से स्ट्रांग होल्ड के लिए भाई रास्ता खोजना स्टार्ट करते हैं। तो भाई जाना हमको इस रास्ते पे, तो भाई सबसे पहले इसको भाई टूटे ना बस, बहुत बढ़िया ऐसे 18 अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते भाई मस्त तरीके से चलते हैं वहाँ पे, और भाई अपना स्ट्रांग होल्ड ढूंढ के मिलते हैं आपसे बस केवल जल्दी 1-2-3। तो जैसे कि आप देखो भाई अपने एक विलेज में आ चुका हूँ यहाँ पे, और भाई यहाँ से मेरे को रूट थोड़ा सा भाई शॉर्ट लग रहा है लेकिन भाई किस्मत फटी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे भाई अच्छा खासा विलेज है, और ठीक है अकाशिया विलेज है, वैसे पता नहीं अकाशिया बोलते क्या बोलते हैं, कोई मेरे को कसम से नाम नहीं पता, अगर मैं गलत बोला हूँ तो भाई कमेंट जरूर बताना क्या है सच में इसका नाम। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर देखिए आर्मरर की शॉप पे, देख आर्मरर की शॉप पे क्या है वो भाई डायमंड है भाई, कोई नहीं कहो तुमको इलेक्ट्रा देके जाऊँ मैं, कोई दिक्कत भाई ये तुम्हारा भाई इसमें इस गेम में बहुत अमीर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो एक बिल में तोड़ता हूँ, तो भाई ये तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ से मैं आ रहा, इट मीन्स भाई इसके जस्ट नीचे, तो मैं एक काम करता हूँ यहीं पर डिक करता हूँ कहीं पर, तो भाई यहाँ मैं डिक करते सीधा नीचे चलता हूँ, देखते हैं कि भाई अपना भाई स्ट्रांग होल्ड कहाँ पर है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो सबसे पहले फूड की कमी, उसके बाद भाई मस्त तरीके से फुल अंदर को नीचे जाना है, तो भाई यहाँ पर रुक जाओ ए भाई एक नॉर्मल सी माइन, इसको छोड़ो अंदर मेरे को नीचे ही तोड़ के जाना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं इसको मस्त तरीके से तोड़ते हैं। और भाई पूरा का पूरा एरिया में क्लियर करते हुए सीधा का सीधा भाई आता हूँ आगे, देखते क्या होता है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो भाई यहाँ आ चुका हूँ भाई स्ट्रांग होल्ड के अंदर, और भाई यहीं पे एक विलेजर स्पॉनर, विलेजर का बोल रहा है जॉम्बी स्पॉनर है भाई, खतरनाक तरीके से, मजाक नहीं सच में खतरनाक है ये चीज़। तो एक काम करते भाई मैं थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लोर करता हूँ, और भाई मिलता हूँ आपसे जस्ट 1 मिनट में, क्योंकि भाई कसम से बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, और वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है और मुझे और ज़्यादा लंबी नहीं बनानी, और भाई देखते क्या होता है। फिलहाल भाई मैं इधर आ चुका हूँ, देखते हैं कि भाई अपना बस स्पॉनर यहीं कहीं मिल जाओ, भाई सामने ही स्पॉनर मिल चुका है। और भाई मस्त सबसे पहले भाई सिल्वर फिश नहीं आनी चाहिए, कसम से मेरे को सबसे ज्यादा एनोइंग मॉब है भाई सिल्वर फिश लगती है। पर सर देखो नंबर 1 तो भाई अपना ये क्रीपर तो रहेगा ही, सेकंड नंबर में ही लगता है यार कसम से, पता नहीं किस
टाइप का बैक्टीरिया, एक काटेगा तो 10 निकलते हैं, पता नहीं क्या ही दिक्कत है। तो भाई यहाँ पे मैं थोड़े बहुत बेड बना लूँगा जिससे कि भाई अपने पास थोड़ा आसानी रहे। तो भाई 3 बेड बन चुके हैं, तो ये मैं रुक जाऊँ, एक यहाँ पे 3 बन चुके हैं जो कि मैं एक यहीं पे रखूँगा जिससे कि भाई अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है। अब भाई सबसे पहले भाई नीदर भाई अपना ये इंड पोर्टल एक्टिवेट करते हैं और सीधा चलते हैं इंड के अंदर और भाई तबाही मचा के आते हैं। तो भाई लेट्स गो यार, आ चुके हैं अपने इस खतरनाक ड्रैगन के पास। तो भाई कसम से ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला, लिटरली बता रहे थे। एक काम करते हैं भाई, मस्त तरीके से सीधा ऊपर बिल्ड करते हैं क्योंकि मेरे पास जाना है ऊपर, काश अपने पास इंटरपल होता मैं सीधा फेंक के वहाँ चला जाता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके में इधर आ चुका हूँ भाई, मेरे को सारे के सारे यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल हैं सब के सब फोड़ने। तो पहला तो टूट चुका है, इसे धीरे धीरे सारे तोड़ने। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़े बहुत इंटरपल इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि भाई देखो इंटरपल से मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ अच्छे खासे तरीके से, तो वो चीज़ ज़्यादा ठीक रहेगा। एक टावर से दूसरे टावर पर टेलीपोर्ट करने के लिए बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे को मिलते हैं मैं उठाता हूँ, उसके बाद मस्त तरीके से चलता हूँ यहाँ पे एक एक करके जितने भी भाई ये टावर्स हैं उनके सारे के सारे इंड क्रिस्टल को तोड़ना शुरू करते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो इस वाले टावर पे मैं आ चुका हूँ, लिटरली बता रही है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। तो भाई एक काम, मैं सबसे पहले वो से तोड़ूंगा, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। वो भाई ये क्या हो रहा भाई, मेरी वो बीचों बीच से निकल रही, रुक जाओ शॉट मारते हैं, नहीं लगी रुक जाओ भाई, कसम से भाई बहुत डैमेज करती लिटरली में। अगर ये ब्लॉक आगे ना होता ना तो मेरी आधी एचपी खा सकती थी। तो कोई बात नहीं भाई, अपने बो एंड एरो की कमाल दिखाते हुए यहाँ पे जितने भी क्रिस्टल में उसको सारे के सारे तोड़ने थे। एक टूट चुका यहाँ पे, अभी इसको भी इसकी बारी भाई, इसको भी तोड़ चुके हैं और भाई यहाँ पे दो बचे हैं, तो सबसे पहले इसको भी तोड़ते हैं और भाई लास्ट ये रहा, इसको भी तोड़ते हैं। अब भाई बचती दो जालियों वाले, वहाँ पे मेरे को जाके ही तोड़ना पड़ेगा क्योंकि भाई ये जावा एडिशन नहीं है कि जालियों के बीच में से भाई वो लग जाएगा, तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो भाई इंटरपेल में फेंक चुका हूँ, आ चुका हूँ यहाँ पे, अब सीधा मेरे को यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक लगाते जाना है। लेकिन भाई है नहीं, देख भाई आयरन किस दिन काम आएगा यार, इतने अमीर होने के बाद भाई हम यूज ना करें तो हो ही नहीं सकता। तो एक काम करते भाई आयरन से बिल्ड करते हुए चलते हैं, आयरन का ब्लॉक है, गोल्ड का ब्लॉक, भाई नेदर राइट का ब्लॉक है अपने पास, मजाक सेट के यार चलते सीधा। भाई दोनों के दोनों क्रिस्टल तोड़ चुका हूँ मैं, लास्ट क्रिस्टल ये बचा है तो भाई इसको भी मस्त तरीके से मैं तोड़ता हूँ। ये खतरनाक भाई, टूट जा भाई टूट चुका है। अब मेरे और ड्रैगन के बीच में कोई नहीं है, लिटरली कोई नहीं है। अब मेरे को ड्रैगन से कौन बचाएगा, सॉरी ड्रैगन को मेरे से कौन बचाएगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ट्रैप बिछाऊंगा इजिली सा, जो कि है अपना ये ट्रेंटी का भाई ट्रैप। और भाई यहाँ पे ट्रेंटी में पूरी तरीके से भरने वाला हूँ। फिलहाल तब तक कि मैं शॉट बजा दूँ इनको, जब तक ये यहाँ पे बैठ के थोड़ी बहुत सांसें ले रहा अपनी, इस सांसों को भाई थोड़ा सा और मुश्किल बनाते हैं। यहाँ पे जितना ट्रेंटी बजा दिया, अब भाई यहाँ पे मेरे को भाई एंडरमैन के अलग ही नशे भाई, देखो अपना टीएनटी का ब्लॉक चुरा ले गया यार, कसम से ये चीज़ ठीक थी इसकी। कोई नहीं भाई, अपना ये आ चुका है। अब भाई यहाँ पे फ्लिंट निकालने की बारी है, अब भाई बस फोड़ने की बारी है, अभी बस हेल्थ देखना इसकी। भाई आधे से भी कम हो गई, लिटरली आधे से भी कम हो गई इतने टीएनटी, अभी मेरे पास 7 और बचे हैं। तो भाई इसको सातों के सातों बजाने वालों, फिलहाल ये एंडरमैन के अलग नशे यार, मतलब कुछ भी नहीं किया इन लोगों को, मैं फ्री कर रहा फिर भी ये सी मतलब ठीक है यार, एहसान फरामोश है, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि आप देख रहे हो मस्त तरीके से मैं इधर आ चुका हूँ, मेरे पास एक नॉच एप्पल में खा लिया जिससे कि मेरे को ज़्यादा एब्जॉर्प्शन डैमेज ना हो। तो भाई यहाँ पे जितने भी हो सकते हैं मैं शॉट बजाता हूँ, अगर ये जैसे उड़ेगा मैं यहाँ पे ट्रैप फिर से बिछा दूंगा भाई, फिर से तोड़ेंगे इसको अच्छे से। तो जैसा कि आप देख रहे हो अपने पास 7 थे, मैं 7 लगा चुका हूँ। ये बेड है, एक काम करते हैं बेड को इसके ऊपर रखते हैं भाई, फिर बेड को फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आ चुका है बेड, फूट चुका है भाई, ये क्या था, अच्छा खासा डैमेज हुआ, लेकिन भाई टीएनटी भी फटना था यार कसम से, अभी ये नहीं पड़ जाता। तो कोई दिक्कत नहीं, ये लास्ट केवल एक शॉट का बचा, लिटरली एक शॉट का। तो भाई बो से निपटाते हैं इसको, भाई मेरे बो में आज क्या प्रॉब्लम हुई है यार कसम से, देख रो भाई बंदा पार हो जा रहा है पूरा बो, मतलब मेरी एरो जो भाई इसको पार करके जा रही है, लिटरली ये खतरनाक नहीं हो रहा कुछ ज़्यादा ही। कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ते हैं यहाँ पे, लास्ट वक्त की शॉट की बारी है तो मैं इसको यहीं पे रख दूंगा मस्त तरीके से। पहले आग बुझाओ यार, फालतू वाला काम कर रहा है। तो भाई इसको बुझा दिया, अब भाई आ चुका एक लास्ट शॉट अपना ड्रैगन का, नाम नाम सत्य हो गया
यार कसम से बहुत ज्यादा फनी था यार, खास कर फ्लावर्स इतने ओपी ओपी सामान मिल रहे थे कि क्या ही बताएं। तो भाई आप लोग बताओ वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और कमेंट में बताओ यार कि कैसी लग रही है और कौन से चैलेंज जो मेरे को करने चाहिए। भाई सब कुछ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ से मेरे को अंडा उठाना है, तो भाई अंडे के लिए भाई सीधा आते हैं यहाँ पे, दो ब्लॉक डिक और एक ब्लॉक उसके जस्ट सेकंड ब्लॉक पे डिक करना है, और नीचे लगाना बस एक टॉर्च, टॉर्च भाई यहाँ पे लगाना है, उसके बाद इसका ऊपर ब्लॉक तोड़ना है। तो भाई अपना अंडा भी कलेक्ट हो चुका है, इसी के साथ भाई गेम एंड हो चुका है। तो भाई कसम से अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, क्या करो, इससे ज़्यादा क्या ही मैं करूँ। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ थैंक यू सो मच यार, जिसने भी वीडियो को फुल देखा यार, प्लस लाइक करके।